वहीं राजधानी देहरादून के विकास नगर में आगामी लोकसभा चुनाव के साथ साथ होली और ईद के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर पुलिस ने सेला कोई थाना परिसर में एक बैठक का आयोजन किया। आयोजित बैठक में सेला कोई थाना क्षेत्र के गणमान्य नागरिक के साथ पुलिस के आला अधिकारी शामिल हुए। विकास से इंद्रपाल सिंह की रिपोर्ट। आज अभी सेलागुई थाने में हमारे कप्तान साहब वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देशानुसार ये मीटिंग की गई है, जिसमें क्षेत्र के सभी प्रतिनिधियों, ग्राम प्रधानों और व्यापार मंडल के अध्यक्ष, इसी के साथ सीएलजी के सदस्य व हमारे मुस्लिम समुदाय से जो मस्जिदों के इमाम हैं या मदरसों के प्रतिनिधि हैं, अन्य सिविल नागरिक थाने पर बुलाए गए थे। मीटिंग का जो दायित्व और लक्ष्य था वो ये था कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता इस समय क्षेत्र में प्रभावी हो चुकी है सभी क्षेत्रों में, तो उसके परिपालन की अपील की गई है। और इसी के साथ सभी से ये रिक्वेस्ट की गई है या अपील की गई है कि वो चुनाव के तिथि पर अधिक से अधिक वोट दें और चुनाव को पारदर्शी और निष्पक्ष रूप से संपन्न कराएं। इसी के साथ में हमारे जो 24 और 25 को आगामी जो होली का त्यौहार है उसके लिए अपील की गई है क्षेत्रवासियों से कि वो शांतिपूर्ण ढंग से होली के त्यौहार को मनाएंगे। इसी के साथ मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उनसे अपील की गई है कि इस समय रमजान का जो समय है वो चल रहा है और अभी कुछ समय बाद ही ईद भी आने वाली है, तो उन सभी से अपील की गई है कि वो त्यौहार को शांतिपूर्ण ढंग से अपनाएंगे। और इसी के साथ अन्य क्षेत्र में कानून व्यवस्था के लिए अन्य दिशा निर्देश भी उच्चाधिकारी के क्रम में निर्देश के क्रम में उन्हें दिए गए।